गीता जयंती के उपलक्ष्य के समय हमारे सारे विश्व में जुड़े हुए हैं। किस सेवा में? इस सेवा का नाम क्या है? भूख मैराथन। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे आप जानते हो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है जो मेरा प्रचार करता है? उसे ज्यादा प्रिय न को हुआ है ना होगा। तो परम भगवान स्वयं प्रचार की सेवा पर बल देते हैं। साथ में इसका में आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज ने कहा अपने असुरित मित्रों को, दूसरों को ये शिक्षा दो जिसके द्वारा भक्ति का ज्ञान बढ़े। और चैतन्य महाप्रभु जो कि परम भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया। संक्षेप में उन्होंने कहा, जाने दाता है कहो कृष्ण से, जैसे भी तुम मिलो से क्या करो, कृष्ण का उपदेश करो। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की सेवा पर बल दिया, ये भाव भी प्रकट किया, चिंता का भाव। जैसे कि एक समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए थे। हरिदास ठाकुर क्योंकि उनका जन्म था मुसलमान खानदान में, वो तो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए। तो महाप्रभु लगभग रोज उन्हें मिलने जाते थे उनकी कुटिया में। तो एक दिन जब महाप्रभु गए उनकी कुटिया में, उन्होंने कहा, हरिदास जी बताओ कैसे अपने जंग उधार होगा। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हे मेरे भगवान आप चिंता मत करो, हरि का नाम लेंगे प्रादन से रहे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, कुर्म ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, और उनके वहां से चलने के पश्चात वासुदेव विप्र उनके घर में पहुंचा। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर पस से भरा हुआ था, पर वो इतने दयालु भाव के थे कि उनके पूरे शरीर में कीड़े थे, जैसे कोई कीड़ा नीचे गिरता था उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे। जब गए महाप्रभु को मिलने, महाप्रभु वहां से चल पड़े थे, शोक दुखी हुए। महाप्रभु अंतर्यामी है, उन्हें पता लग गया कि वासुदेव अत्यंत दुखी है। तो वापस लौटे, और वापस लौटे और उन्होंने वासुदेव को क्या किया, उन्होंने गले लगाया। जैसे ही गले लगाया, वही बदसूरत शरीर खूबसूरत युवक का शरीर बन गया। और फिर वासुदेव ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, उन्होंने कहा कि अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत युवक बन गया हूँ, मुझे डर है कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊँ। पहले तो मेरी ऐसी स्थिति थी, कोई मेरे निकट नहीं आता था, पर अब आपकी कृपा से इतना खूबसूरत बन गया हूँ। महाप्रभु ने क्या कहा, क्या करो, चैंट हरे कृष्णा और कृष्ण भगवान की शिक्षा का प्रचार करो। शिक्षा जो कि कहाँ प्राप्त होती है? भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं, जैसे कि वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, इस संसार के हर भक्त का उद्धार हुआ, इस संसार के हर भक्त का कर्तव्य है कि वो घर घर जाए ये संदेश लेकर, हरिनाम को जाप करो और क्या गीता की शिक्षा को अपनाओ।
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare.